मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद जहां एक तरफ किसानों के तेवर तल्ख हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सरकार के इस कदम को विधानसभा के चुनावी समर से जोड़कर सरकार पर आरोपों की बौछार की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमीरों की बीजेपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण और काले कानून से गरीब किसानों को ठगना चाहा। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने किसानों के रास्ते में कील और कांटे लगाए। हद तो तब हो गई जब उनके ऊपर जीप चढ़ाई गई। लेकिन सपा की पूर्वांचल विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर मोदी सरकार में ये तीनों काले कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। मौजूदा बीजेपी सरकार को ये बताना चाहिए कि सैकड़ों किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उन दोषियों को कब तक सजा मिलेगी। अखिलेश ने अपने बयान में आगे कहा कि बीजेपी सरकार मंडियां खत्म करने पर तुली हुई है, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इन्हें माफ नहीं करेगी और यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव में साफ करेगी। मोदी सरकार का ये फैसला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चाहे जो चुनावी तरकीब इस्तेमाल कर ले, लेकिन इस चुनाव में योगी सरकार का सफाया होना तय है। जनता और किसान कतई माफ नहीं करेंगे। मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की केंद्र सरकार से हमेशा ये मांग रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, उनके परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरूर दी जाए। कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार को बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। अगर मोदी सरकार समय रहते ये फैसला काफी पहले ले लेती तो देश अनेक प्रकार के झगड़ों से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों की MSP पर कानून की मांग लंबे समय से लंबित है। बसपा की मांग है कि संसद के आगामी सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस संबंध में MSP कानून लाए। सबसे दिलचस्प बयान RLD के सर्वे सर्वा जयंत चौधरी का सामने आया है। किसान आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने वाले जयंत चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है, किसानों के संघर्ष तप और बलिदान की जीत है। देश के किसानों को बधाई। किसानों की जीत हम सबकी है और साथ ही देश की जीत है। यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रही। 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। प्रधानमंत्री जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी और आपने खुद आंदोलनजीवी बोला। उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक देश की सच्चाई समझ में आने लगी। ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है। किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसान के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। इसके बाद प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपकी नियत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। किसानों की सदैव जय होगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत। वो आज माफी मांग रहे हैं, जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं, क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है, विधानसभा के चुनाव जो हैं
उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या 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 नहीं बोला, आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार कर किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी तो सरकार कर रही थी। पीएम मोदी के इस ऐलान के पीछे किसान नेता और विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का असर बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की राय इससे एकदम इतर है। उनका कहना है कि कमजोर विपक्ष के चलते उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति काफी हद तक मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा का निशाना पंजाब पर काफी ज्यादा है, जहां बीजेपी सूबे में लंबे अरसे से सियासी वनवास झेल रही है।